900 साल की खामोशी के बाद आज जूना दुर्ग की प्राचीर पर तिरंगे की शान से फहराने की कहानी सुनिए। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बसा यह ऐतिहासिक दुर्ग जो कभी वीरानियों में खो गया था, आज फिर से अपने गौरव की गाथा कहने को तैयार है। सेना के सैकड़ों जवानों की ठक ठक और राष्ट्रगान की गूंज ने इस खामोश दुर्ग को जगाकर उसे एक नई पहचान दी है। बाड़मेर शहर से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच स्थित इस दुर्ग का इतिहास बेहद पुराना है। कभी यह शहर इसी दुर्ग के परकोटे के अंदर बसता था, लेकिन समय के साथ मुगल आक्रांताओं के हमलों और अन्य चुनौतियों ने इसे वीरान कर दिया। आज वन विभाग और सेना के प्रयासों से इस दुर्ग को एक बार फिर से आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। 15 अगस्त को शाम 5:28 पर जूना दुर्ग की प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। यह सिर्फ एक तिरंगा नहीं था, बल्कि उन तमाम संघर्षों, बलिदानों और वीर गाथाओं का प्रतीक था जो इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं। इस आयोजन के दौरान बाड़मेर के जालीपा आर्मी कैंट से निकली तिरंगा रैली ने जब पुराने बाड़मेर जूना की प्राचीर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया तो हर किसी का दिल गर्व से भर उठा। पहली बार यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह एक अद्वितीय अनुभव था। दुर्ग की प्राचीर से फैली दूर दूर तक की पहाड़ियों का नजारा मानो इतिहास की धड़कनों को फिर से जीवंत कर रहा था। बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप होता हुआ जूना का ये किला देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद सरकार यहाँ पे टूरिज्म से, मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि यहाँ भी लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया जाए, यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए अलग से ट्रैक बन जाए, यहाँ पे जैसे रोप क्लाइंबिंग और होती है वो सब चीज़ें भी की जाए। बेसिकली एडवेंचर टूरिज्म का ये बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता है। सेना की बहुत बड़ी सौगात, सेना की बहुत बड़ी सौगात, क्योंकि यदि सेना ये अपने हाथ में नहीं लेती तो मुझे लगता है ये काम करने में हमें बहुत परेशानी होती, क्योंकि सेना एडमेंट हो गई कि नहीं, हम तिरंगा जो है वो उसी जगह लहराएंगे जहाँ पुराने बाड़मेर को बाड़मेर के वासी छोड़ के आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका पूरा 100% क्रेडिट सेना और मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। 5:28 पर जो परास ज्ञान हुआ वो पल कितना गौरव हुआ। बहुत ही गौरव का पल था। कमांडर वहां पे बता रहे थे कि 16वीं शताब्दी के बाद फिर यहां ध्वज लहराया गया और इस बार तिरंगा लहराया गया, तो भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जूना के इस किले में तिरंगा लहराया गया। यह हम सबके लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।